गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक, तो हैप्पी गुड़ी पाड़वा मालिक। मालिक, चेंज ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। हम अगर म्यूजिक की बात करें तो हम म्यूजिक में रोमांटिक म्यूजिक सुनते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या हम डीजे के गाने भी सुनते हैं, गणपति डांस के गाने भी सुनते हैं? आंसर इज येस। क्या हम उसको एंजॉय करते हैं? आंसर इज येस। सर, हम रूटीन जॉब करते हैं, हम रूटीन काम करते हैं, एट द सेम टाइम क्या हमें पिकनिक का भी मजा लेना चाहिए? आंसर इज येस। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड चेंज इन अवर लाइफ। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड ए चेंज। अब कॉन्सेप्ट ये चेंज को मैं किसी और स्टेटमेंट के साथ लिंक करता हूं, और उसके हिसाब से अपन समझते हैं कि हम अपनी लाइफ में मोटिवेशन कैसे ला सकते हैं। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड विनिंग द सेम रेस डज नॉट गिव द हैप्पीनेस। बात करते हैं तो टॉक आज के एपिसोड में। मालिक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, कोई भी टास्क डिस्कस करने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ओके, अगर मैं 100 मीटर की रेस जीतता हूं, मैं एक बार जीतता हूं, मैं दो बार जीतता हूं, मैं तीन बार जीतता हूं, मैं चार बार जीतता हूं, मैं पांच बार जीतता हूं, डोंट यू थिंक पांचवी बार सेम 100 मीटर की रेस जीतने पे, ओके, सेटिस्फेक्शन की बात करें, जो पहली बार जीतने पे हुआ रहेगा वो तो नहीं मिलेगा ना मालिक? दिस इज द सेम थिंग विच आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप एक रेस जीत चुके हो तो अगली बार वही रेस जीत के आपको तोड़ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला मालिक, मोटिवेशन नहीं आएगा। लाइफ जीने का मकसद क्या होगा? लाइफ जीने के लिए जो जज्बा चाहिए, जील चाहिए ना, ओके, तो हमें रेस चेंज करनी पड़ेगी। बट ये रेस चेंज करना मतलब क्या, एग्जैक्टली क्या, तो हम इसमें दो एस्पेक्ट पे बात करेंगे। ओके, पहला एस्पेक्ट होगा स्टूडेंट के एस्पेक्ट पे, और दूसरा एस्पेक्ट होगा बिजनेस या प्रोफेशन के एस्पेक्ट पे। स्टूडेंट के लिए एक बेसिक एग्जांपल होगा उसके मार्क्स के क्राइटेरिया। अगर मैं ऑलरेडी 60% लेके आया हूं या 50% लेके आया हूं, अगले एग्जाम में वापस मैं 50 या 60% लाता हूं, कहां का मजा, कहां पर मजा, वो जील क्या रहेगा, मोटिवेशन क्या रहेगा? अरे मैं 60% लेके आया, अरे तो पिछली बार भी लेके आया था तू, तो बॉस इसको स्केल्ड अप करिए। दिस इज कॉल्ड विनिंग द सेम रेस। मेरा कंटेक्स्ट विनिंग द सेम रेस को ध्यान रखना, ओके, डज नॉट गिव द हैप्पीनेस, उसका लॉजिक यही है, आप वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं मालिक, रेस बदलिए, 60 का 70 करिए, 70 का 80 करिए, 80 का 90 करिए। सेम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की बात करें, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एमबीएस हो, अरे मालिक, ओके, टारगेट तोड़ सेट करिए। अगर आप पास हो चुके हो एग्जामिनेशन, एग्जांपल मैं सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास हो चुका हूं, ओके, मैंने सीए इंटर में रैंक का ट्राई करना चाहिए, ऑलरेडी मैं रैंक आ चुका हूं, मैंने सिंगल डिजिट रैंक का ट्राई करना चाहिए। सर, सिंगल डिजिट रैंक आया हुआ है तो डेफिनेटली आई शुड ट्राई फॉर रैंक 1, और इट मे बी अक्रॉस इंडिया, ओके, अ बेस्ट 1 जो आज तक नहीं लाया। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग द पॉइंट। ओके, चेंज चेंज योर टारगेट, चेंज योर स्ट्रक्चर, चेंज योर वैलिडेशन पॉइंट्स। सेम लॉजिक अगर मैं बिजनेस में लगाता हूं मालिक, बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी तो सिमिलर है। बिजनेस की बात करें, आज मैं ऑलरेडी 1 करोड़ कमा रहा हूं, अगले साल वापस 1 करोड़ कमा रहा हूं, अगले साल वापस 1 करोड़ कमा रहा हूं, डोंट यू थिंक देयर विल बी नो ज़ील इन टेलिंग कि भाई यार, ओके, यार मैंने 1 करोड़ कमा दिया। अरे यार, ऑलरेडी तू 2 साल से 3 साल से कमा रहा है मालिक, तो भाई चेंज करी रेस। ओके, 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कर, 2 करोड़ का 5 करोड़ कर, 5 का 10 करोड़ कर। दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग द रेस। एंड आई डू थिंक, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिवेशन। बट पॉइंट कम्स इन टू पिक्चर, वॉट शुड बी द बेंचमार्क? मालिक, 10,000 कमाने वाला, उसके लिए भी एक बेंचमार्क है, 10 करोड़ कमाने वाला, उसका भी एक बेंचमार्क है, 10,000 करोड़ कमाने वाला भी बेंचमार्क है। सर, क्या 10 करोड़ कमाने वाला 10,000 करोड़ तक नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है, लेकिन क्या पूरी जिंदगी आप इसी में निकाल दोगे, यही एक रेस निकाल दोगे? अरे जिंदगी यही एक रेस के लिए नहीं है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू टू चेंज द रेस। आप एक बेंचमार्क सेट करिए, मैं नहीं बोल रहा हूं बेंचमार्क क्या होना चाहिए, बेंचमार्क आप सेट करिए। ओके, अब मैं एग्जांपल बताता हूं मेरा, मैंने बेंचमार्क ऑलरेडी सेट कर लिया है। ओके, मैं टीचिंग इंडस्ट्री में मैं टॉप 1, 2, 3 में आ चुका हूं, ऑल टुगेदर रह चुका हूं। अब मैं नहीं बोल रहा हूं वापस नहीं आ सकते, वापस आ सकते हैं, लेकिन वही रेस के लिए मैं कितना टाइम डालू लाइफ के, ऑल टुगेदर रह चुका है, मैं एक टारगेट अचीव कर चुका हूं, फिगर अचीव कर चुका हूं, ओके, जो अपने लिए सेल्स के टारगेट है वो अचीव कर चुका हूं, तो वापस उसके लिए कितना टाइम डालना चाहिए? आई चेंज माई रेस, एंड दैट इज एक्जेक्टली वॉट आई वॉन्ट यू अंडरस्टैंड। मैंने अपने रेस चेंज कर लिए, तो सर हमने कौन से रेस चेंज करने चाहिए? जो बिजनेस वाले हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? एक बिजनेस का टारगेट हो गया, एट द सेम टाइम कोई कॉर्पोरेट टारगेट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट, कोई एम्प्लॉइज के टारगेट, कोई सोसाइटी के टारगेट्स, कोई पर्सनल टारगेट्स। मैंने अपने लिए पर्सनल टारगेट रख दिए। अब मैंने इस साल की रेस क्या करी है? एक तो है ही टारगेट, है ही बिजनेस टारगेट, मैंने बंद करने नहीं बोला है, बिजनेस टारगेट चल रहा है, लेकिन मैंने साथ में और एक टारगेट रखा है, दैट इज पर्सनल टारगेट। मैंने सोच कर कहा मैं अपनी डॉटर के साथ, सिर्फ हम दो, मैं और मेरी डॉटर रितिका, We both will drive alone to a Disneyland. Okay, either वो पेरिस का हो या हांगकांग का हो, whatever it may be, मैंने अपने टारगेट रखे 3 दिन, सिर्फ हम दोनों ही घूमेंगे और मजे करेंगे, बाकी और कुछ नहीं, ये टारगेट है मेरा, और ये जिस दिन अचीव हुआ तो मेरी एक रेस जीत गया ना, पर्सनल रेस। दैट इज वॉट आई वॉन्ट यू अंडरस्टैंड, कि भाई मेरा मोटिवेशन इससे आएगा भी, एंड दैट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड।
बट एक स्टेटमेंट एकदम अच्छे से ध्यान रखना मालिक, मैंने स्टेटमेंट देता हूं क्लियर बोला है, ओके याद रखना, विनिंग द सेम रेस डज नॉट गिव द हैप्पीनेस। तो फिर सर क्या करने का, रेस चेंज करने का ना, लेकिन रेस चेंज करने के पहले भूलो मत विनिंग द सेम रेस, विनिंग जीतो उसके बाद चेंज करो। मैं कई बार बिजनेस में हारने के बाद मैंने पर्सनल टारगेट नहीं रखे, मैं जीता हूं टॉप थ्री में रह चुका हूं, ओके उसके बाद मैंने रेस चेंज किया है, यही मैं बता रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट है कोई एग्जामिनेशन पास नहीं हो रहा है और बोल रहा है चलो मैं दूसरी एग्जामिनेशन देता हूं, काई के लिए जीत जिला वो जीत और उसके बाद अपने रेस चेंज कर। बिजनेस है 1 करोड़ अचीव नहीं हो रहा है, नहीं अचीव हो रहा है, मैं लॉस में जा रहा हूं, काई के लिए पहले टारगेट अचीव कर फिर दूसरे कुछ सेट कर मालिक। And that's what we should achieve from our business point of view, our studies point of view. And अपनी business और studies को लेकर अगर अपने life में targets ऐसे ही होते तो ऐसे ही करने चाहिए मालिक। तो तोड़ मालिक, भारत माता की जय। Next episode में मिलते हैं। Journey important है या destination पे पहुंचना, ये दोनों में हमने किस में priority देनी चाहिए? तोड़ मालिक।